नमस्कार, आज सरिताज किचन में हम बनाएंगे ये टेस्टी ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए हम दो उबले आलू लेंगे और उसे इस तरह से घिस लेंगे और इसमें थोड़ा सा मटर हम थोड़ा सा हल्का पीस के उसे डाल देंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ये हम पकौड़े का मसाला तैयार कर रहे हैं। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्च डाल के सब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन है हमारी चटपटी फीलिंग। और ये मसाला, अब ये मसाला जितना चटपटा होगा उतना ही हमारा ब्रेड पकोड़ा अच्छा होगा। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम बेसन लेंगे, 4 से 5 चम्मच बेसन लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर आधा चम्मच से कम भी, और नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। अब चलिए हम ब्रेड लेते हैं और ब्रेड को हम ऐसे बीच से काट लेंगे, जो कि हमारे पकौड़े का शेप आ जाएगा इस तरह से। दोनों ब्रेड हम काट लेंगे चारों। अब इसमें हम आलू भरेंगे इस तरह से, और इसे हम ज़ोर से चिपका देंगे। बहुत टेस्टी पकौड़ा बनता है। और ये हमारा, देखिए ये अब कढ़ाई में हम इस पकौड़े को इस तरह से ज़्यादा नहीं डिप करेंगे, 2-3 बार ऐसे डिप करके डालेंगे। ज़्यादा बेसन को कोटिंग नहीं, मतलब नहीं रहना चाहिए। दूसरा भी हम डालेंगे इसी तरह से। और इसे हम पलटी कर देंगे। आपको मेरी ये ब्रेड की रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए अब हमारा ब्रेड पकोड़ा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़ा। थैंक यू।